Welcome students to channel Study 24/7. I am Samrat, and now I am with the general awareness questions asked in CGL exam, SSC CGL 2nd September, जो कि आज हुआ. So देखिए, मैं questions को English में भी पढ़ूंगा और हिंदी में भी बताऊंगा. हर एक question में आपको explain करूंगा हिंदी में, English में, दोनों में, क्योंकि कुछ लोगों के request आई है कि सर English में upload कीजिए, and कुछ लोग बोल रहे हैं सर हिंदी में अपलोड कीजिए. मैं दोनों भाषा कवर करूंगा एक ही वीडियो में. देखिए, आपको सिर्फ पेशेंस रखने कि नहीं तो मैं हिंदी में बहुत बात कर रहा हूँ तो आप बोलेंगे अरे यार सर ने इंग्लिश में बात नहीं की. मैं इसके बाद इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, ठीक है. सो लेट स्टार्ट. मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया. मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है? सो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है कोयम्बतूर को. कोयम्बतूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए वो फेमस है, और उसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, कोयम्बतूर. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था. नाउ सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया एट रियो ओलंपिक. और क्वेश्चन ऐसे होगा शायद कि एट इनॉग्रेटिंग सेरेमनी. सो इनॉग्रेटिंग जो सेरेमनी थे, तो उस इनॉग्रेशन के टाइम पे अभिनव बिंद्रा जो कि हमारे शूटर है, उन्होंने फ्लैग बियर किया था इंडिया का. यानी जो टीम्स जाती है और उसमें सामने एक पर्सन खड़े होते हैं जो कि फ्लैग लेके रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को, तो वो अभिनव बिंद्रा थे इनॉग्रेशन सेरेमनी में. और जो जब ख़त्म हुई थी, यानी कंक्लूडिंग सेरेमनी जब थी, तो कंक्लूडिंग सेरेमनी में साक्षी मलिक जी, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 58 केजी कैटेगरी रेसलिंग में, फर्स्ट इंडियन वुमन रेसलर वो बनी मेडल जीतने वाली ओलंपिक में. सो उन्होंने फ्लैग बियर किया इन कंक्लूडिंग सेरेमनी, ठीक है. तो ये ध्यान में रखिए कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंक्लूडिंग सेरेमनी में किसने रियो ओलंपिक के फ्लैग बियर किया था, तो वो साक्षी मलिक जी है, ठीक है. और अगर शायद अगर ये ऑप्शंस में, चार ऑप्शंस में अगर साक्षी मलिक जी का नाम होगा, तो कुछ स्टूडेंट्स ने शायद से गलती से वो भी टिक किया होगा. लेकिन क्वेश्चन देखिए, अभी ये मेमोरी बेस है, तो शायद से इनॉग्रेशन ही पूछा होगा. सो अभिनव बिंद्रा वहाँ पे आंसर होगा. और अगर कंक्लूडिंग सेरेमनी बोलते हैं तो साक्षी मलिक जी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्कोर्ड 1000 रन्स इन एन इनिंग्स. देखिए, 1000 रन्स कौन से प्लेयर ने बनाए? तो ये प्लेयर प्रणव धनावडे है. ये बॉम्बे के प्लेयर है, मुंबई से बिलोंग करते हैं ये, और मुंबई की टीम के लिए खेलते हैं. और देखिए, इन्होंने 1000 रन्स बनाए, और इन्होंने सचिन तेंदुलकर जी का ही रिकॉर्ड तोड़ा सबसे ज़्यादा जो अंडर 16 के रन्स होते हैं उसमें. सो इनको महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन जो है MCC, उन्होंने 10,000 रुपये महीने की स्कॉलरशिप भी इनको अभी शुरू की है. सो ये प्रणव धनावड़े, ये नाम आप ध्यान में रखिए. 1000 रन्स इन्होंने एक इनिंग में ही बनाए, एक ही मैच में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे, लार्जेस्ट इरिगेशन प्लांट इन इंडिया. देखिए, इरिगेशन प्लांट कौन सा है लार्जेस्ट इंडिया में? तो इंदिरा गांधी कैनाल है. सो इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पे आता है? ये हरिक बैरेज है फिरोजपुर में, और ये पंजाब स्टेट में. तो स्टेट आप ध्यान में रखिए, पंजाब स्टेट में ये इंदिरा गांधी कैनाल लार्जेस्ट इरिगेशन प्लांट इन इंडिया है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालया इज़ अ टाइप ऑफ विच माउंटेन. सो हिमालया फोल्ड माउंटेन के टाइप में आता है. लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है, तो देखिए, मैं हमेशा बात कर रहा हूँ वीडियोज़ में कि रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर रिपीट भी हो सकते हैं. सो अभी आगे जाके एक क्वेश्चन मिलेगा, मैं उस टाइम पे आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन देखिए रिलेट करने वाला क्वेश्चन मिला, रिपीट नहीं हुआ, रिलेट किया उसने. सो इस हिमालय की अभी बात आई है, सो हम इस पे डिस्कशन करेंगे. थोड़ा जस्ट 1 मिनट में लूँगा आपका. मैं आपको यही बता दूंगा कि टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, देखिए रिलेट क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि टाइप ऑफ माउंटेन्स भी आपको पूछ सकते हैं. सो टाइप ऑफ माउंटेन्स आप नोट कर सकते हैं, आप नोट कीजिए प्लीज़, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालूंगा तो थोड़ा मैटर ज़्यादा दिखेगा, तो आपको ही देखने में या सुनने में थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है, इसलिए मैं आपको ओरली बता रहा हूँ. हमारे क्वेश्चन का आंसर था तो फोल्ड माउंटेन, हिमालय फोल्ड माउंटेन के टाइप में आता है. लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, माउंटेन्स के टाइप होते हैं फोल्ड, फिर फोल्ड ब्लॉक माउंटेन भी होता है, उसे ब्लॉक माउंटेन्स भी कहा जाता है, फिर डोम माउंटेन्स होते हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, प्लेटू माउंटेन्स होते हैं. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं,
फॉल्ट ब्लॉक माउंटेंस होते हैं, यानी उसको ब्लॉक माउंटेंस भी कहा जाता है, डोम माउंटेंस होते हैं, वोल्केनिक माउंटेंस होते हैं, प्लेटू माउंटेंस होते हैं, और इसके एग्जाम्पल एक एक हम देख लेंगे अभी। एग्जाम्पल्स फोल्ड माउंटेन्स का तो हिमालय तो है ही, लेकिन अल्प्स, जो अल्प्स माउंटेन्स है यूरोप में, वो भी फोल्ड माउंटेन में आएंगे। तो शायद से ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए कि यूरोप में जो माउंटेन्स है अल्प्स माउंटेन, वो माउंटेन्स वो कौन से टाइप के माउंटेन है, तो वो भी फोल्ड माउंटेन ही है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चल रही है, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए इसको और नोट भी कर सकते हैं, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। द अल्प्स ALPS अल्प्स माउंटेन इन यूरोप, ये भी फोल्ड माउंटेन में आते हैं। द ANDES एंड्स माउंटेन, एंड्स माउंटेन इन साउथ अमेरिका, इन साउथ अमेरिका एंड्स माउंटेन, ये भी फोल्ड माउंटेन में आते हैं। दी रॉकीज माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका, ये भी फोल्ड माउंटेन में आते हैं। दी उरल्स माउंटेन्स इन रशिया, ये भी फोल्ड माउंटेन में आते हैं। तो हमने फोल्ड माउंटेन्स के ये सारे टाइप्स अभी सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। अब हम फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स की तरफ जाएंगे। फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स है, दो ही एग्जाम्पल है, क्योंकि वो भी पूछ सकते हैं। दी सीरा नेवाडा माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका, सो जैसे यहाँ पे पूछा गया हिमालय इज अ टाइप ऑफ विच माउंटेन, तो ऐसे पूछ सकते हैं दी सीरा नेवाडा माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका इज ऑफ विच टाइप। सो आपको पता होना चाहिए द सीरा नेवाडा इन नॉर्थ अमेरिका इज टाइप ऑफ फॉल्ट ब्लॉक, यानी ब्लॉक माउंटेन्स की टाइप है। और सेकेंड है दी हर्ज माउंटेन्स इन जर्मनी, ये भी ब्लॉक माउंटेन के टाइप में आते हैं, यानी फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन। अब होल्केनिक माउंटेन्स के एग्जांपल्स देखते हैं हम। होल्केनिक माउंटेन्स माउंट सेंट हेलेंस इन नॉर्थ अमेरिका, माउंट सेंट हेलेंस इन नॉर्थ अमेरिका, ये होल्केनिक माउंटेन में आता है। माउंट पिना ट्यूबो इन द फिलीपींस, ये भी होल्केनिक माउंटेन्स में आता है। माउंट पिना ट्यूबो इन द फिलीपींस, ये भी होल्केनिक माउंटेन्स में आता है। और माउंट की एंड माउंट लोआ इन हवाई, माउंट की KEA की एंड LOA लोआ, माउंट लोआ इन हवाई, ये हवाई में है, ये भी होल्केनिक माउंटेन्स में आते हैं। और हमारी लास्ट टाइप प्लेटू माउंटेन्स, इस जितने भी माउंटेन्स हैं न्यूजीलैंड में, वो सारे प्लेटू माउंटेन्स में आते हैं। प्लेटू माउंटेन्स लास्ट टाइप है हमारा माउंटेन्स का, उसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। न्यूजीलैंड के जितने भी माउंटेन्स हैं वो सारे प्लेटू माउंटेन्स के टाइप में आते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ी बहुत मैंने आपको माउंटेन्स के बारे में यहाँ पे बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। केरला सॉइल इज रिच इन विच सॉइल, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ऐसे होगा, रिच इन विच एलिमेंट्स ऐसे कुछ पूछा होगा, लेकिन मेमोरी बेस से तो थोड़ा स्टेटमेंट में गड़बड़ी हो जाती है। तो केरला सॉइल देखिए लैटरेट सॉइल के टाइप में आता है, तो सॉइल के भी टाइप है, हम देख लेते हैं सॉइल के टाइप, क्योंकि देखिए रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ कि वो क्वेश्चंस आगे जाके एग्जाम में आते हैं। सो आपको ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार हमें पता नहीं, तो इसीलिए आप थोड़ा सुनिए, आधा सेकंड लगेगा। टाइप सुनिए, टाइप्स ऑफ सॉइल देखिए यहाँ पे, ये केरला की जो सॉइल है वो लैटरेट सॉइल में आएगी, लेकिन टाइप ऑफ सॉइल में बता रहा हूँ आपको, एलुविलियल सॉइल एक टाइप है लैटरेट सॉइल जो कि केरला की है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, ये सारे सॉइल के टाइप्स हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। व्हाट इज़ नाइट्रिफिकेशन, सो नाइट्रिफिकेशन क्या है, सो बेसिकली अगर हम एक स्टेटमेंट में बोले तो अमोनिया इज़ कन्वर्टेड टू नाइट्रेट्स, इसको नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन अगर हम पूरा डेफिनेशन उसका देखें तो प्रॉपरली डेफिनेशन ही होता है, नाइट्रिफिकेशन इज़ द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया और अमोनियम टू नाइट्रेट फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द नाइट्राइट टू नाइट्रेट, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया। लेकिन ऑप्शन में क्लिक करने के लिए आपको बेसिक भी पता हुआ तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टॉस फाउंड मैक्सिमम इन ईच कंट्री, देखिए एस्बेस्टॉस कौन से कंट्री में ज़्यादा मिलता है, तो रशिया में मिलता है। लेकिन एस्बेस्टॉस होता क्या है, तो एस्बेस्टॉस इज अ सेट ऑफ सिक्स नेचुरली ऑकरिंग सिलिकेट मटेरियल्स, जो सिलिकेट मटेरियल्स होते हैं उसका एक सेट होता है, उसे एस्बेस्टॉस कहा जाता है। और रशिया में ज़्यादा मिलता है, चाइना और कैनेडा से भी ज़्यादा प्रोडक्शन रशिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 month इमरजेंसी इन विच कंट्री, टर्की में अभी 3 months इमरजेंसी लगी थी, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है और ये पोलाइटी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि पोलाइटी में हम देखते हैं इमरजेंसी की प्रोविजंस, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको इमरजेंसी की प्रोविजंस भी डिस्कस की है। स्टेट नेशनल इमरजेंसी होता है, स्टेट इमरजेंसी होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगी थी शायद टर्की में 3 months के लिए, 3 months के, और मेरे ख्याल से जुलाई में ही लगी हुई है उनकी इमरजेंसी।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीटन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। देखिए बीटन कप किस फील्ड से रिलेटेड है, तो हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। सो देखिए लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था सीके नायडू ट्रॉफी, लास्ट ही शिफ्ट में है शायद कल के, सीके नायडू ट्रॉफी कौन से खेल से रिलेटेड है, वो क्रिकेट से रिलेटेड है। तो कैसे रिलेट कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो बहुत रिलेट करते हैं और रिपीट भी होते हैं, तो रिपीट से ज़्यादा रिलेट करते हैं, ठीक है। और बीटन कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो हॉकी से। और ये बीटन जो थे, टी डी बीटन एक पर्सन थे वेस्ट बंगाल के, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे, तो उनके शायद याद में ये कप खेला जाता है। हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफार खान जो थे, इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, क्योंकि जैसे गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे नॉन वायलेंस, सो वैसे ही प्रिंसिपल्स इनके भी थे, इसीलिए इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर पब्लिश बाय गांधी इन साउथ अफ्रीका, सो अफ्रीका में जब गांधी जी रहते थे, तो महात्मा गांधी जी ने कौन से पेपर या कौन से जर्नल्स पब्लिश किए। सो जो साउथ, जब वो साउथ अफ्रीका में रहते थे, तो द इंडियन ओपिनियन, ये वो पब्लिश करते थे, कभी कभी खुद ही प्रेस चलाते थे वो, ये पेपर पब्लिश करने के लिए। और इनको तीन भाषा में वो पब्लिश करते थे, इंग्लिश, तमिल, गुजराती, ये तीन भाषा में वो साउथ अफ्रीका में पब्लिश करते थे। और जब इंडिया में भी उन्होंने, उनके दो अखबार जो थे बहुत चले थे, सो टू न्यूज़पेपर्स पब्लिश बाय गांधी इन इंडिया आल्सो, क्योंकि वो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो नेम ऑफ दैट न्यूज़पेपर्स आर इंडिया एंड सॉरी यंग इंडिया एंड हरिजन, यंग इंडिया एंड हरिजन न्यूज़ आर द न्यूज़पेपर्स पब्लिश बाय महात्मा गांधी जी इन इंडिया, एंड द इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर पब्लिश बाय गांधी इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो ये गांधी जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। स्मेल ऑफ आयोडेक्स बाम इज़ ड्यू टू, देखिए हम आयोडेक्स जब लगाती है तो बहुत सारी स्मेल आती है, बहुत सारे लोग तो उस स्मेल की वजह से ही वो बाम लगाते नहीं है, जैसे विक्स हो गया, ये बहुत सारी जो मसल पेन से रिलेटेड या पेन से रिलेटेड जो भी बाम्स आती है, तो वो बहुत सारे लोग उसके स्मेल के, और बहुत सारे लोगों को तो उसका एलर्जी भी होता है, तो वो किस वजह से रहता है स्मेल उसमें। सो मिथिल सैलिकिलेट मिथिल सैलिसिलेट एक केमिकल है, वो यूज़ करते हैं, इसीलिए स्मेल ऑफ आयोडेक्स बाम में स्मेल आता है, आयोडेक्स बाम में उस तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड आइसलैंड्स, देखिए इंटरकनेक्टेड आइसलैंड्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा था, आर्किपेलेगो, ये कहा जाता है आर्किपेलेगो, और इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऐसे बनता है, एन आर्किपेलेगो समटाइम्स कॉल्ड एन आइसलैंड ग्रुप और आइसलैंड चेन इज अ चेन क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ आइसलैंड्स, ठीक है। कलेक्शन यानी जुड़े हुए आइसलैंड्स जो होते हैं, तो उनके ग्रुप को आर्किपेलेगो कहा जाता है। नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइन बिटवीन, ट्रीटी ऑफ पुरंदर कौन दो राजाओं के बीच में साइन हुई थी, तो ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन दी जयसिंह राजा, राजपूत रूलर जयसिंह, एंड दी मराठा रूलर, दी ग्रेट मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी जून 11 1665 को। इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस ट्रीटी का। देखिए ट्रीटी फोर्सफुली जो साइन की गई थी, वैसे तो जो जयसिंह राजा थे राजपूत रूलर, उन्होंने पुरंदर किला था, फोर्ट था, उसको चारों ओर से घेर लिया था, और घेर जाने के बाद शिवाजी महाराज को ये पता लगा कि अभी हम घेरे गए हैं, अभी हम अगर, और ये जो थे राजा जय सिंह, ये मुगल एम्पायर के कमांडर थे, यानी ये राजा तो थे लेकिन ये काम अंडर मुगल करते थे, क्योंकि मुगलों ने इनको हरा दिया था, तो ये उनके अंडर रहते थे। तो शिवाजी महाराज को पता था कि अगर हम मुगल एम्पायर से अभी लड़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लॉस हमें ही होगा, तो हम सरेंडर होने से अच्छा ट्रीटी साइन कर लेते हैं। तो शिवाजी महाराज जी ने ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की थी, इसको मराठी में पुरंदर का तह ऑफ पुरंदर का तह ऐसे ही कहा जाता है, ठीक है। सो जून 11 1665, ये भी आप याद में रख सकते हैं। लाइंस जॉइनिंग द सेम स्लोप ऑन अर्थ, क्या कहा जाता है, अर्थ के जो स्लोप है उसमें जो जॉइंस करते हैं तो उसको कंट्रोल लाइंस कहा जाता है, ठीक है। वेर इज़ सन टेम्पल, ये बहुत फेमस टेम्पल है, देखिए कोणार्क उड़ीसा का टेम्पल है, जो मेरे ख्याल से भगवान सूर्यदेव के लिए लिए वो टेम्पल बना हुआ है, सन टेम्पल, इसीलिए उसको कहा जाता है। कोणार्क उड़ीसा में है, और
वो किसने बिल्ड किया था? देखिए अभी इस क्वेश्चन पे मैं बताऊंगा आपको ये कैसे रिलेट करता है। वो टेंपल्स के नाम आए थे शायद से कुछ शेप्ट में, वहाँ पे पूछा गया था किस राजा ने इस टेंपल को बनाया था, ठीक है। सो मुझे टेंपल का नाम तो नहीं याद आ रहा है, विजयनगरा एम्पायर के ऐसे राष्ट्रकूटा ऐसे कुछ तो भी राजा के टेंपल्स के अंडर जो बने हुए टेंपल्स थे उनके आए थे नाम और पूछा गया था किस राजा ने इसको बनाया। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सन टेंपल कहाँ पे है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए, नेक्स्ट शिफ्ट में शायद ऐसे भी आ सकता है कि नरसिंह सन टेंपल किसने बनाया, तो हमें पता होना चाहिए। तो ये बिल्ड किया है नरसिंह देवा वन जो राजा थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के 1255 में। सो उन्होंने 1255 एडी में उन्होंने ये सन टेंपल बनवाया था, बिल्ड बाय किंग नरसिंह देवा वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी इन 1255 एडी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेगर इज नोन एज, विनेगर को क्या कहा जाता है? तो विनेगर में ज़्यादातर एसिडिक एसिड होता है, इसीलिए उसको एसिडिक कहते हैं, और 5 से 5 to 20% इट कंसिस्ट ऑफ एसिडिक एसिड, ठीक है। और एसिडिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH और वाटर होता है और बाकी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। विनेगर इज नोन एज एसिडिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पल नेम विच इज डैमेज बाय फायर इन केरला। देखिए केरला में रिसेंटली 10th अप्रैल को जो फायर हुआ था टेंपल के अंदर फटाकों की वजह से, ड्यू टू द फायर वर्क्स। सो उसमें एक पराउर टेंपल है जो कि कोल्लम में है और कोल्लम केरला में आता है। सो पराउर टेंपल में बहुत आग लगी थी, आई थिंक 350 पीपल इंजर्ड एंड 111 डाइड ऑल्सो, नॉट अ फिक्स फिगर, लेकिन इट वॉज अ बिग थिंग, ठीक है। सो पराउर टेंपल एट कोलम, ये आपको याद में रखना है, और कभी डेट भी पूछ सकते हैं कि किस दिन ये घटना हुई थी, तो 10th अप्रैल 2016 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स। ओलंपिक में कौन से गेम इंक्लूड हुए? सो शायद से ओलंपिक में जो इंक्लूड हुए गेम्स वो गेम्स है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, आप लिख सकते हैं, सॉरी। सो ओलंपिक में कराटे, ठीक है, ओलंपिक में कराटे, स्क्वैश, मैं टाइप करता हूँ आपके लिए यहाँ पे, कराटे, स्क्वैश, कराटे, स्क्वैश, और आई थिंक कराटे, स्क्वैश और गोल्फ, गोल्फ था उसमें, गोल्फ और रोलर स्पोर्ट्स, ठीक है, रोलर स्पोर्ट्स और रग्बी, ये जो खेल है रग्बी, ये उसमें ऐड हुआ था, ठीक है। तो कराटे, स्क्वैश, गोल्फ, रोलर स्पोर्ट्स और रग्बी, ये गेम उसमें ऐड हुए। और वाइट एलिफेंट्स आर फाउंड इन, देखिए वाइट एलिफेंट्स कहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो थाईलैंड में वाइट एलिफेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि शिफ्ट वन और टू मिला के आए थे, सेकेंड यानी सेप्टेम्बर यानी आज की जो एग्ज़ाम हुई एसएससी सीजीएल की। सो गाइज अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, आप वैसे बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़िया रिस्पांस दे रहे हैं, वैसे देते रहिए और शेयर करते रहिए। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। सजेशंस भी मुझे आ रहे हैं, मैं इम्प्रूव भी कर रहा हूँ धीरे धीरे, और कुछ सजेशन देने होंगे आप दे सकते हैं बिंदास। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ।